जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर नेताय जय गौर नेताय गौर निताय जय गौर निताय, जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद प्रिल प्रभुपद, जय जम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थाप का आचार्य श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री राधा रमण जी की
श्री श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्ध दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी मृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के 83 अध्याय के 3 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 83 श्लोक 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुतः अशिवम त्वत् चरणाम्बुज आसवम महत मनस्तः मुख निःसृतम क्वचित पिबन्ति ये कर्णपुटहि अलम प्रभो देहं भृताम देहकृत अस्मृति छिदम। कुतो शिवम त्वच्चरणाम्बुजासवम महन मनस्त मुख निःसृतम क्वचित
पिबन्ति जय कर्ण पुटैरलं प्रभो देहं भृतां देह कृद स्मृतिच्छिदम् कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजाश्रमम् महन् मनस्त मुख निःसृतं क्वचित् पिबन्ति जे कर्ण पुटैरलं प्रभो देहं भृतं देह कृद स्मृतिच्छिदम् कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजाश्रमम् महन् मनस्त मुख निःसृतं क्वचित् पिबन्ति जे कर्ण पुटैरलं प्रभो देहं भृतं देह कृद स्मृतिच्छिदम् आवृत्ति कीजिए एक दो लोग। पार्थ बोलो। कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजाश्रमम् महन् मनस्त मुख निःसृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्ण पुटैरलं प्रभो देहं भृतं देह कृद स्मृति कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजाश्रमम् महन् मनस्तो मुख निःसृतं क्वचित् महन् मनस्तो मुख निःसृतं क्वचित् पिबन्ति जे कर्णपुटैरलं प्रभो पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहं भृतां देह कृत स्मृतिक्षिदम् देहं भृतां देह कृत स्मृतिक्षिदम् माताजी कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजाश्रमम् महन् मनस्त मुख निःसृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्ण पुटैरलं प्रभो देहं भृतं देह कृद स्मृतिच्छिदम् कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजाश्रमम् कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजाश्रमम् महन् मनस्तो मुख निःसृतं क्वचित् महन् मनस्तो मुख निःसृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्ण पुटैरलं प्रभो पिबन्ति ये कर्ण पुटैरलं प्रभो देहं भृतां देह कृद स्मृतिच्छिदम् देहं भृतां देह कुतः कहाँ से अशिवम अशुभ त्वत आपके चरण चरणों के अम्बुज कमलवत आशवम
मदोन्मत्तकारी अमृत को महत महात्माओं के मनस्तः मनो से मुख उनके मुंह से होकर निःसृतम निकला हुआ क्वचित किसी समय पिबन्ति पीते हैं ये जो कर्ण उनके कानों के पुट ही प्यालों से अलम इच्छानुसार प्रभो हे प्रभु देहम भौतिक शरीर भृताम धारण करने वालों के लिए देह देहों के कृत स्रष्टा के विषय में अस्मृति विस्मरण के छेदम उच्छेदक अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण के संबंधियों ने कहा, हे प्रभु, उन लोगों का अमंगल कैसे हो सकता है जिन्होंने आपके चरण कमलों से निकले हुए अमृत का एक बार भी छक कर पान किया। यह मदोन्मत्तकारी तरल बड़े बड़े भक्तों के मनों में बहता हुआ उनके मुखों से निकलकर उनके कान रूपी प्यालों में उड़ेला जाता है। यह देहधारी जीवात्माओं द्वारा अपने शरीर के बनाने वाले के प्रति विस्मृति को विनष्ट करता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक को मैं चुना आवृत्ति के लिए, अनुवाद के लिए, क्योंकि एक प्रश्न है, तो प्रश्न को भी सुन लीजिए। हरे कृष्ण महाराज, देहाध्यास प्रकृति से हम किस प्रकार स्वयं को मुक्त कर निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास कर सकते हैं। यद्यपि प्रश्न विषयेतर है, तथापि मार्गदर्शन के आकांक्षी हैं। हरे कृष्ण। कल के परिप्रेक्ष्य में इसको विषयेतर कह दिया गया, लेकिन आज विषयेतर नहीं है, आज यही मुख्य विषय हो जाएगा। हम लोग कुरुक्षेत्र सम्मेलन को देख रहे हैं। हम लोग सुन चुके हैं, यादव लोग बहुत ही उत्साह के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और विधि का पूरा पालन कर रहे हैं। उपवास किए, फिर से स्नान किए और ब्राह्मणों को खूब स्वादिष्ट भोजन कराए, दान दिए, और सबके पीछे उनकी अभिलाषा है कि कृष्णे भक्ति रस्तु, हमारी भक्ति कृष्ण में हो। जादवों का वर्णन किया गया है कृष्ण पुरोगमान। जादव समाज, जादव परिवार वहां उपस्थित है तो कृष्ण उसमें अग्रगणी है। अब कृष्ण बलराम के चलते सब लोग उधर ही जाने लगे और कृष्ण बलराम का दर्शन करके अबे परम आनंद को प्राप्त किए। ब्रजवासी भी वहां गए हैं और उनको केवल कृष्ण के दर्शन से संतोष नहीं है, उनके पास जो भी सामान है कृष्ण को देने के लिए या अपने लिए जो कपड़ा इत्यादि लिए हैं वो सबको लेकर के गाड़ी के साथ ही वहां पहुंच गए। ब्रजवासियों का प्रेम कुछ विलक्षण है, उनकी योजना है कि कृष्ण के नजदीक ही रहेंगे
उनके सेवा करेंगे, उनका दर्शन करेंगे। और गाड़ी को ले करके गए वही आवास, वही निवास करने के लिए, कृष्ण के नजदीक रहना है। और यादवों से उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, इसलिए कोई निमंत्रण इत्यादि की अपेक्षा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे लोग कहेंगे तब हम लोग जाएंगे, अपने से वहां सामान लेकर के गए कि वहीं रहना है। कृष्ण बलराम के व्यवहार को हम लोग कल सुने, कृष्ण बलराम को देखते ही नंद बाबा माँ जसोदा उनको अखबार में भर लिए। अब जितने देर तक अपने अखबार में रखे, और कृष्ण बलराम भी वैसे खड़े रहे, अब भी हाथ बढ़ा दिए, लेकिन ये भी उनको अवकाश मिला और माता पिता को नमस्कार किए, प्रणाम किए। और प्रणाम किए और माता पिता कृष्ण को या बलराम को अपने शरीर का ही आसन दिए, अलग से आसन नहीं दिए, शरीर पर ही उनको बैठा लिए। लेकिन वहाँ बहुत भारी मेला है, बहुत लोग आए हैं। अब नंद बाबा से मिलाने के लिए, माँ जसोदा से मिलाने के लिए यादव लोग उनको पुकारने लगे, तो वे दूसरे से मिलने के लिए थोड़ा बाहर हुए, और कृष्ण भी उस अवसर का लाभ लिए। पहले से वे देख रहे थे कि गोपियां बहुत आतुर हैं, गोपियां चिराद अभिष्टम, बहुत दिन से अभिलाषा लगा करके गई थी कि कृष्ण से मिलन होगा, लेकिन वहां पहुंच करके भी उनको उपयुक्त अवसर नहीं मिल रहा, बहुत कातर होने लगे। भगवान उनके भावना को समझ रहे हैं, विविक्त उपसंगम्य, उसके पहले वर्णन है कि उपयुक्त अवसर नहीं मिल रहा, जो अवसर है उसी का वे लाभ ली। कृष्ण से अब समाज में तो खुल करके बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, तो दृग भी अपने आंखों से हृदय कृत्य उनको हृदय में ले गए और गाढ़ आलिंगन की, और तद्भाव मापू वो पूरा कृष्णमय हो गई, उनके आनंद से प्रेम से मूर्छा की स्थिति प्राप्त हो गई। कृष्ण इन सब दृश्यों को देख रहे हैं, विविक्त उपसंगम्य, कृष्ण थोड़ा एकांत में गए और गोपियों का आलिंगन किए, एक साथ सारे गोपियों का आलिंगन किए और अनामय पूछ करके उनसे बात करने लगे, उनसे कहने लगे क्या तुम लोग हमारा कभी स्मरण करती हो। गोपियों के साथ कृष्ण का बातचीत है, गोपियां बहुत व्याकुल हैं, कातर हैं। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आगे के अध्याय में के इस प्रकार भगवान गोपियों को सांत्वना दिए, वे कह रहे हैं कि तथानु गृह्य भगवान गोपी नाम स गुरुर्गति युधिष्ठिर मथा पृच्छत सर्वांश श्रुदो व्ययम्। वह बहुत लोग हैं, तो इस प्रकार गोपियों को सांत्वना दे करके, उनको समझा करके और भगवान का परिचय दे रहे, गोपी नाम स गुरुर्गति, सबके गति भगवान है, जितने भी सज्जन है भक्त है तो सब भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के भावना में और गोपियों के भावना में बहुत भारी अंतर। सारे भक्तों के गति भगवान ही है, लेकिन गोपियों के तो गुरु गति, सब प्रकार से वही गति है, या
परिचय दे रहे हैं कि गुरुर्गति, भगवान ही उनके शिक्षक हैं, भगवान ही प्राप्तव्य हैं। और गोपियों को सांत्वना दे करके, आश्वासन दे करके युधिष्ठिरम अथा पृच्छत सर्वांश सुहृदोव्ययम्। वहीं युधिष्ठिर महाराज हैं और भी संबंधी हैं, तब युधिष्ठिर महाराज से उनके कुशलता पूछने लगे, और भी जो संबंधी हैं तो उनसे उनके कुशलता के विषय में पूछने लगे। तो एवं लोक लाथेन परिपृष्टा सुसत्कृता, जो भगवान के संबंधी हैं और उनके विषय में कह रहे हैं कि परिपृष्ठा, भगवान उनसे कुशल पूछ रहे हैं। लोकनाथेन भगवान का परिचय दे रहे हैं कि सारे लोगों के स्वामी हैं, और वे उनके कुशल के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। अब भगवान एक व्यक्ति को संबोधित करके उनके कुशल के विषय में पूछ रहे हैं कि सुसत्कृता, वे तो अपने को कृतार्थ मानने लगे, भगवान हमसे पूछ रहे हैं। या भगवान केवल समाचार ही नहीं पूछ रहे हैं, उनको उनका सत्कार कर रहे हैं, उनको उपहार भी दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं और उनके कुशल के विषय में पूछ रहे हैं। तो प्रत्युचुर हृष्ट मनसा, भगवान का संपर्क है, भगवान सत्कार कर रहे हैं या पूछ दिए, यही सबसे भारी सत्कार है। बहुत बड़ा आदमी जो सारे लोगों का ईश्वर है, एक आदमी से कुछ पूछ रहा है तो बहुत भारी सत्कार है। अहृष्ट मनस, वे जो भी संबंधी जुटे थे तो बहुत प्रसन्न हो गए। तत्पादे क्षतांगस, और कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल के दर्शन से उनके सारे पाप दूर हो गए। देखिए, हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई है, कोई भी दुख है, कोई भी ग्लानी है, और उसके पीछे कारण है अपना कर्म फल, पाप। आप भक्ति के विषय में पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, और इसका एक गुण बतलाया गया है, क्लेशग्नि, क्लेश को नाश करने वाला। जो ग्लानी है या असंतोष है तो ये सब पाप के कारण है, अपने कर्म के कारण है। और कह रहे हैं कि भक्ति का गुण है क्लेशग्नि, वो क्लेश को नष्ट कर देता है। क्लेश का नष्ट करने का अर्थ है कि क्लेश का जो कारण है उसको भी नष्ट कर देती भक्ति। तो प्रत्युचुर हृष्ट मनस, वे बहुत प्रसन्न है, उसके पीछे कारण है। तदपादे क्षतांगस, भगवान के चरण का दर्शन हुआ, उनका जो भी पाप है वो सब नष्ट हो गया। पाप व्यापक अर्थ में, पाप का दो भाग किया जाता है, प्रारब्ध अप्रारब्ध। तो अप्रारब्ध तो बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है, लेकिन भक्ति का प्रभाव है कि प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कठिनाई अनुभव कर रहा है और उसके पीछे तो कारण प्रारब्ध ही है, तो कह रहे हैं तदपादे क्षतांगसा, तदपादेक्षा हतांगस। जो भी संबंधी जुटे हैं कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और उनके सारे प्रारब्ध नष्ट हो रहे हैं। जो भी पाप है या पाप के कारण है तो सब नष्ट हो गए, और इसलिए हृष्ट मनस, वे बहुत प्रसन्न है। भगवान का दर्शन हो रहा है इसी से प्रसन्न है, भगवान कुछ उपहार दे रहे हैं उसको प्राप्त करके प्रसन्न है, और भगवान कुछ पूछ रहे हैं इस सौभाग्य से वे बहुत प्रसन्न है। और महाराज युधिष्ठिर से वे पूछे, और भगवान श्री कृष्ण के संबंधियों ने कहा
प्रसन्न है और प्रसन्नता के साथ कह रहे हैं कि कुतो शिवम त्वचरणाम बुजासवम महन मनस्तो मुख निःसृतम क्वचित पिबंत ये कर्ण पुटय रलम प्रभो देहम भृताम देह कृद स्मृतिच्छिदम। करें कि जो व्यक्ति क्वचित कभी भी आपके चरण कमल के आसव का पान करता है तो उसका अमंगल कैसे हो सकता है, उसको क्या कठिनाई होगी। क्वचित किसी समय कर्ण पुटय अलम, भगवान के चरण कमल के आसव का पान कर लिया। कैसे पान किया, कर्ण पुटय अपने कानों से, तो उसके अमंगल का कोई प्रश्न ही नहीं, अकुशल का कोई प्रश्न ही नहीं है। कैसे उसको अब अकुशलता अमंगल स्पर्श कर सकता है। तो आशय यह है कि हम तो यहाँ उपस्थित हैं, भगवान की कथा कीर्तन का अवसर है, आपके गुण सुनने को मिल रहा, आपका दर्शन करने को मिल रहा है, तो हम लोगों का परम मंगल है, अमंगल का कोई प्रश्न ही नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर शब्द दे रहे हैं, त्वत चरणाम बुजासवम, भगवान के चरण कमल के आसव, और आसव का पान कैसे कर रहे हैं, कर्ण पुटय अपने कर्ण रूप प्याले से, मतलब जो भगवान के जस का श्रवण कर रहा है, और भगवान के जस को आसव कहा गया है क्योंकि यह विस्मारक है, परम सुस्वादु है और इसमें विस्मारक विस्मरण कराने की क्षमता है। जैसे कोई ताड़ी पी लेता है, ताड़ी आसव है ना, अब बम बम करने लगता है, भूल जाता है, भगवान के वार्ता को भगवान की कथा को भी अमृत कहा गया है और इसको मदिरा भी कहा गया है। जो आसव खजूर के वृक्ष से निकलता है ना, और उस पर झगड़ा चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भी शराब कही जाती का, उसको भी बंद करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो शराब कैसे है, वो तो नेचुरल चीज है, जो हो उसमें विस्मरण कराने की शक्ति होती है। हम लोगों के यहाँ कोई व्यक्ति अटपटा व्यवहार करता है, बोलते तू ताड़ी पिए ले बड़े का, ये शब्द प्रयोग करते हैं, मतलब ताड़ी पी लेने पर दिमाग ठीक नहीं रहता, संगीत माधव जी ऐसे बोलते हैं ना, तू ताड़ी पी ले बड़े। और आसव का पान करने से व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, और इतना उन्मत्त हो जाता है कि उसको अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रहता है। आप करदम जी के विषय में सुने हैं, करदम जी को भगवान प्रजा विस्तार की आज्ञा दी है, तो तपस्या में लग गए और इतना तपस्या किए, भगवान का चिंतन किए कि भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान से वे कहने लगे कि हमारा आंखों की सिद्धि मिल गई, आपका दर्शन हुआ, और कह रहे हैं कि दर्शन ही परम पुरुषार्थ है। जो व्यक्ति आपकी भक्ति कर रहा है और भोग की इच्छा कर रहा है, और उसकी बुद्धि तो माया द्वारा हरी गई है,
त्वत्पादा रविंदम भव सिंधु पोतम। पहले मैं एक दिन चर्चा किया था राजसीय यज्ञ के प्रसंग में कि भगवान के चरण सेवन का स्वाभाविक फल है मुक्ति, लेकिन अब कोई भक्ति कर रहा है, भगवान के चरण की अर्चना कर रहा है और भोग की इच्छा कर रहा है जो नरक भी मिल जाता है, तो कह रहे हैं कि हतमेधसस्त्वत माया, वो आपके माया के द्वारा उसकी बुद्धि मारी गई। भोग की इच्छा करना ये स्वाभाविक नहीं है, और कह रहे हैं कि हम भी उसी कैटेगरी में हैं। हम एक अपने सील स्वभाव के अनुरूप स्त्री चाहते हैं, पत्नी चाह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप है कि वे कुछ नहीं चाहते हैं। और उस ग्रुप का वर्णन कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि संसार में बहुत सारे शुद्ध भक्त भी हैं, हम तो शुद्ध भक्त नहीं हैं। हमारे मन में तो इच्छा है कि हमको पत्नी की प्राप्ति हो हमारे सील स्वभाव के अनुरूप, लेकिन आपके भक्तों का एक ग्रुप है कि लोकांश लोकानुगतान पशुंश हित्वा श्रितास्ते चरणात पत्र। कुछ लोग हैं कि लोक को, जो समाज के लोग हैं उनको, या उनके जो अनुयायी हैं जो पशु रूप हैं, उनको हित्वा उनका ख्याल न रह करके उनको त्याग कर देते हैं। लोकांश लोकानुगतन पशुंश्च, इस समाज में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति है, नेता है, तो उसी का अनुकरण करने लगते हैं, बहुत विचार नहीं करते। आप लोग कई एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। एक ढंग का कोई कपड़ा प्रारंभ पहन लिया तो कई एक लोग वैसा ही कपड़ा पहन लेते हैं। एक व्यक्ति जैसा झोला ले लिया तो वैसा ही झोला कई एक लोग लेने लगते हैं। तो पशु का ये स्वभाव, एक भेड़ जिधर जा रही है वो पीछे से सब जाने लगते हैं। तो समाज के लोगों को पशु कह रहे हैं। अब भेड़ों की यह स्थिति है कि एक भेड़ रेलवे लाइन पर चली गई और ड्राइवर सीटी दे रहा, उसे क्या, उसके पीछे पीछे कई एक भेड़ चली जाती। और समाज के लोगों को पशु कह रहे हैं, इस अर्थ में कि अंधानुकरण करते हैं। अरे वे जो करे, भगवान के जो भक्त हैं लोकांश लोकानुगतन पशु, जो अपने संबंधी हैं या समाज के लोग हैं उनका कोई ख्याल नहीं रखते, उनकी क्या आकांक्षा है इस पर वो विचार नहीं करते। कल बाहर निकल रहा था तो एक भक्त कह रहे हैं कि परिवार वाले भक्ति करने से मना करें तो हमको क्या करना चाहिए। यहाँ करदम जी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त हैं और अब उस पर कुछ ध्यान नहीं देते कि समाज के लोग क्या कहेंगे, वे क्या टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकांश लोकानुगतान पशुंश हित्वा श्रितास्ते चरणात पत्र, वे सबके छोड़ करके उनके भावनाएं का अनादर करके आपके चरण रूप छत्र का आश्रय लिए। चरणात पत्रम, आत पत्रम छाता को कहते हैं। अव्यक्ति छाता धारण कर लेता है तो धूप नहीं लगती, अच्छा छाता है तो ताप से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के चरण को भी छाता कहा जाता है, क्योंकि भगवान के चरण का आश्रय लिए तो शीतलता का अनुभव होने लगता है, ताप दूर हो जाता है। वो तो परस्परम तद्बाद तद्गुण बाद सीधु पीयूष निर्यापित देह धर्म, और कह रहे हैं कि उनका कार्य क्या है। भगवान के चरण का आश्रय लिए चरण रूप छत्र के नीचे आ गए तो करते क्या है। परस्परम तद्बाद सीधु पीयूष निर्यापित देह धर्म, वे आपस में आपके गुण की चर्चा करते हैं।
अब गुण के विषय में कह रहे हैं कि सिद्धु अमृत, उसको शराब भी कह रहे हैं और अमृत भी कह रहे हैं, दोनों शब्द दे रहे हैं। इस कारण से कि भगवान के वाद का, उनके कथा की यह विशेषता है कि देह की विस्मृति हो जाती है। भगवान के भक्ति में जो लग जाता है और उसकी स्थिति हो जाती है जैसे कोई मदिरा पान करके मदांध है, कोई बहुत मदिरा पी लिया और रोड पर जा रहा है, उसका कपड़ा कहाँ गिर गया, गमछा कहाँ गिर गया, उसको ध्यान नहीं होता। और भक्तों की यह स्थिति होती है कि भक्ति की ऐसी नशा होती है, कथा कीर्तन का ऐसी नशा होती है कि देह उसका कब गिर गया, कब मृत्यु हो गई, इसका पता ही नहीं चलता। उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं, कोई शराबी है, नशा में है और उसका गमछा गिर जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता। और कह रहे कि निर्यापित देह धर्म। और भगवान के कथा कीर्तन में जो लगे हैं, परस्परम तद्वाद सिद्ध पीयूष निर्यापित देह धर्म, कथा कीर्तन में लगे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं और संसार को भूल जाते हैं। और अमृत कह रहे हैं कि परम सुस्वादु है और निर्यापित देह धर्म, देह धर्म से ऊपर हो जाते हैं। देह धर्म मतलब भूख प्यास शीत घाम, इसका अनुभव ही नहीं करते। अब परीक्षित महाराज के उक्ति को सुने हैं के नैसात दुसहा, ये भूख प्यास बहुत दुसह है, इसको सहना बहुत कठिन होता है। प्यास लग जाती है तो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, भूख लग जाती है आदमी व्याकुल हो जाता है, इसको सहना कठिन है। लेकिन कह रहे कि न बाधते, हम पर इसका कोई असर नहीं है क्योंकि आपके मुख से झरता हुआ अमृत का पान कर रहा। और भगवान के कथा कीर्तन की विशेषता है कि व्यक्ति देह धर्म से ऊपर हो जाता है, निर्यापित देह धर्म भूख प्यास, और इससे ऊपर हो जाता है, शीत घाम से ऊपर हो जाता है, जो परम विस्मारक है। हतांग सह, इस पर हम कह रहे थे कि उनके पाप सब दूर हो गए, या पाप के जो कारण हैं तो वे सब दूर हैं। और इसे में कह रहे हैं कि उनका अमंगल कैसे होगा। इस श्लोक में वे कह रहे हैं कुतो शिवम त्वत चरणाम्बुजासव, आसव शब्द पर मैं कहने लगा कि आपके चरणों का जो आसव है वो आसव है कहाँ, महत मनस्थ। भगवान के जो गुण हैं, चरण के आसव हैं, तो महात्माओं के मन में होता है, वे उसका आस्वादन करते रहते, उसका चिंतन करते रहते, मनन करते रहते। लेकिन कभी कभी वो मुख से बाहर भी चला जाता है, आसव का आस्वादन में मन में कहते हैं, सुहेत मनस्थ, मनस्थ उनके मन में है, लेकिन मुख निःसृतम क्वचित। अब ये आनंद अनुभव करते हैं तो कभी कभी उसका वर्णन करने लगते हैं, वो मुख से निकल जाता है। भगवान के गुण का जब चिंतन करते हैं, आस्वादन करते हैं, तो बोलने की इच्छा करने लगती है। ऐसा कहा गया है कि कभी कभी व्यक्ति प्रसव पीड़ा अनुभव करने लगता है, अब इतना उसको आनंद आता है कि बोलने के लिए वो आतुर हो जाता है। जैसे कोई स्त्री प्रसव करने के लिए आतुर हो जाती है,
कष्ट अनुभव करने लगते, वैसे वो भी कष्ट अनुभव करने लगता है। श्रोता पा करके बोलता है, लेकिन हमेशा नहीं बोलता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जैसे झरना का पानी कभी निकलता है और कभी बंद हो जाता है, तो क्वचित विहिनिफृतम, उसके मुख से निकल गया, या कभी ऐसा संजोग हो गया कि उसका पान कर लिया। पिबंति ये कर्ण पुटे रलम प्रभो, हे प्रभो, वो अपने कर्ण के दोने से अलम पिबंती, खूब छक करके पान कर रहा है, तो उसका अमंगल कैसे होगा? अरे क्यों नहीं अमंगल होगा, तो सिद्धांत दे रहे हैं, देहम भृताम देह कृद अस्मृति छिदम। वो कथा की विशेषता बतला रहे हैं, भगवान के चरण कमल के आश्रव की विशेषता बतला रहे हैं कि देहम भृताम देह कृत अस्मृति छिदम, जो देहधारी हैं और देह बनाने वाले के विस्मरण का छेद कर देता है। देह कृत, जो देह बनाया है, हम लोग सब लोग देहधारी हैं, देह धारण किए हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है कि देह अपने से बनाया हो? जैसे कुर्ता सी करके पहन लेते हैं, वैसे देह बना करके धारण किए हैं? कौन देह बनाया? माता पिता। देह है तो माता पिता का भी माना जाता है ना, लेकिन माता पिता बनाए हैं देह? देह है माता पिता बनाए हैं, वो माता पिता तो सोचते हैं कि एक लड़का हो जाए, दोनों सोचते हैं तब तक लड़की निकल जाती है। वे देह बनाने वाले होते तो ऐसा नहीं होता ना। और देह कृत, जो देह बनाए, कौन देह बनाए? भगवान, माता पिता के माध्यम से भगवान देह बनाए। देह कृत, देह बनाने वाले के अस्मृति छिदम, जो भगवान का विस्मरण हो गया है। हालांकि विस्मरण शब्द नहीं है, स्मृति का अभाव और स्मृति शब्द पर ध्यान देना चाहिए। अस्मृति छिदम, जो हमें स्मरण नहीं हो रहा है भगवान का, उसका छेदन कर देता है, मतलब भगवान की स्मृति बन जाती। भगवान का स्मरण प्रदान करने वाला कौन है? भगवान के चरणाम्बुज का आश्रय, जो भक्तों के हृदय में रहता है और उनके मुख से बाहर निकलता है, और जो व्यक्ति उसको अपने कान के दोने से पी लिया, तो भगवान का जो विस्मरण है वो समाप्त हो जाएगा। तो वास्तविक समस्या यही है कि हम भगवान को भूल गए, और जो भी साधन है और इसी के लिए किया जाता है कि भगवान का स्मरण रहे। बहुत बहुत साधन पढ़ते हैं, लेकिन स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम नैव केनचित, कभी विस्मरण न हो और सतत स्मरण रहे, तो सर्वे विधि निषेधास्यो ए तयोरेव किंकर है। ये दो ही सिद्धांत के सब किंकर है। जितना विधि निषेध का वर्णन किया गया है, स्थापना है, और उसके सेंटर में है, सबका लक्ष्य सबका उद्देश्य है कि भगवान का विस्मरण कभी न हो और सतत उनका स्मरण बना रहे। और कह रहे हैं कि देह कृत अस्मृति छिदम, भगवान के चरण कमल के आश्रय कान से पान करने से जो अस्मृति है, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, वो खत्म हो जाता है, स्मरण होने लगता है। और देह कृत, भगवान देह बनाया, लेकिन क्या भगवान ही देह बनाने वाले हैं? देह कौन बनाया है? इतने इतने सृष्टि
है तो भगवान को कोई इससे अपेक्षा नहीं है, तद अपेक्षा भगवान जो सृष्टि करते हैं तो उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जीवों के हित के लिए कर देते, देह प्रदान कर देते। हम जो देह प्राप्त किए हैं और उसके मूल कारण हम हैं, हमारी अविद्या, भोग की इच्छा। एक प्रश्न उठाया गया है कि भगवान क्यों सृष्टि करते हैं, उनको कुछ जरूरत है? उनको कोई जरूरत नहीं, वे तो अपने आप में पूर्ण है, वे तो कृपा करके सृष्टि करते हैं। इसलिए कि व्यक्ति के मन में भोगने की इच्छा है, अब भोगना चाहता है, कुछ खाना चाहता है, कुछ स्पर्श करना चाहता है, तो शरीर रहेगा तभी खाएगा ना। मुख न रहे तो कैसे खाएगा? त्वक इंद्रिय न रहे तो कैसे वो स्पर्श करेगा? अब तो वासना, हमारे वासना को देह करके भगवान शरीर दिए। अबे वासना हृदय में क्यों आ गया? उसका कारण है अविद्या, भगवान को भूल गए हैं, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, उसको अविद्या कहते हैं। वास्तव में ये जो शरीर का मूल कारण है वो अविद्या है, अविद्या ही बंधन का कारण है ना। हम अपने स्वरूप में रहे तो ये सब शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो हम अपने स्वरूप में सिद्धि में है। लेकिन व्यक्ति भोग करना चाहता है, उसका कर्म फल है, तो उसके लिए शरीर बन जाता है और शरीर से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक कर्म है तब तक शरीर से मुक्त नहीं हो सकता। तो वास्तव में देह कृत, देह का कारण है अविद्या, और अविद्या का क्या मतलब है? अस्मृति। अविद्या मतलब अपने स्वरूप का अस्मरण। भाई ध्यान दीजिएगा कि सब जगह विस्मरण नहीं लिखा गया, अस्मरण और विस्मरण में थोड़ा अंतर समझना चाहिए। लोग प्रश्न करते हैं कब से, भूला है तब कब से ना अस्मृति, उसको स्मरण ही नहीं है। सब देख रहे हैं ना, भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात् विपर्यय अस्मृति, कई एक जगह अस्मृति। विस्मृति शब्द से ध्वनित होता है कि कभी याद था फिर भूल गए, लेकिन अस्मृति में तो ऐसा कुछ है, नहीं है ना। तो यहां देख रहे हैं ना, देह कृत अस्मृति छिदम, वो देह का मूल कारण क्या है? अस्मृति, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं, भगवान का स्मरण नहीं, तो इसको छेदन करने वाला जो दुख का मूल कारण है अविद्या, और उसका नाश करने वाला है आपके चरण कमल के आसव का पान करना। भक्ति के विशेषता पढ़ते हैं क्लेशग्नि, क्लेश का नाश करने वाला। और क्लेश कितने प्रकार का? तीन प्रकार का, पापम तदबीजम अविद्या चेति। भाई पाप है और इसी से उसका फल भोगना पड़ता है, वो पाप का क्या कारण है? तदबीज, उसका बीज मतलब वासना, और अब उसका भी कारण है, वासना का भी कारण है अविद्या। तो अविद्या को नाश करने वाला, तो आपके चरण कमल के आसव का जो कान से छक करके पान करता है, उसका अविद्या ही नष्ट हो जाता है।
और अविद्या नष्ट हो गया तो अब उसके अम नहीं है। वास्तव में एक दृष्टि से देखा जाए तो संसार के सृष्टि हम किए हैं। दो माया की बात सुनते हैं, गुण माया और जीव माया। और यहां तक प्रपंच निर्माण की बात है तो वो तो गुण माया करते, भगवान की एक माया शक्ति है त्रिगुणात्मिका, तो सृष्टि का कार्य करती है। लेकिन ये जो संसार बढ़ा लिए हैं, हमारा भाई, हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, ये सब तो हम ही सृष्टि किए हैं ना, और इसी को जीव माया कहा गया। और ये जीव की जो अविद्या है, जीव की माया है, तो वही सृष्टि का मूल कारण। और भगवान के भक्ति करने से, उनके चरण कमल का आसव पान करने से जो देह का मूल कारक है वही नष्ट हो जाता है। और ऐसे अवे लोग उत्तर दे रहे हैं, फिर भगवान के स्तुति करने लगे। तो अब ये जो प्रश्न आया है, अब उसके परिप्रेक्ष्य में हम विचार करें तो देहाध्यास क्यों है, क्योंकि अस्मृति, भगवान का स्मरण नहीं है। अब फिर प्रश्न होगा तो कैसे भगवान का स्मरण, और भगवान के स्मरण के लिए तो कई एक साधन दिए गए हैं। देखिए स्मृति और ध्यान में अंतर होता है। यत कथंचित मनस संबंध स्मृति, जैसे तैसे मन का कनेक्शन है तो उसको स्मरण कहते हैं। और सुष्टु चिंतनम तो ध्यानम, को व्यवस्थित चिंतन करते हैं तो उसको ध्यान कहते हैं। तो यहां स्मृति शब्द का प्रयोग किया गया। भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, यही मूल समस्या है। वो प्रसिद्ध श्लोक चौपाई है, कैसे जब तब भजन, जब तब सुमिरन भजन न होई, कैसे पहले और उसके है का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं कि विपत्ति तो वही है, अकुशलता तो ये, जब आपका भजन और सुमिरन नहीं होता। जब तब भजन तब, जब तब सुमिरन भजन न हो, जब आपका स्मरण और भजन नहीं होता है, यही भारी विपत्ति। सुमिरन मतलब स्मरण और भजन मतलब सेवा, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, ये सब भजन है। और स्मरण, वो स्मरण नहीं हो रहा है या भजन नहीं हो रहा तो यही भारी संकट है, यही विपत्ति। अब ये प्रश्न होता है कैसे स्मरण बने रहे, अरे उसी के लिए तो सब साधन है। लेकिन वो साधन नहीं करना चाहते हैं, फिर भी कोई उपाय बतलाइए कि अखंड स्मृति बनी रहे, हमेशा स्मरण बने। उसका भी उपाय है, भगवान से संबंध विकसित कर लो। जब संबंध विकसित हो जाता है तो स्मरण बना रहता है। एक दो उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। पति पत्नी का संबंध है, वो संबंध के चलते वो काम धंधा करते रहते हैं लेकिन स्मरण बना रहता है। कोई पत्नी है, काम कर रही है लेकिन पति का स्मरण है। अब कोई प्रश्न करेगा आप कैसे जान गए? परमात्मा है, परमात्मा नहीं है लेकिन उसके शब्दों से पता चल जाता है। अब वो जाता चला रही है, आटा पीस रही है घर में ही, और तब तक अपने बेटी से कहती है चल उठाओ रे पापा आओ, तो बाबू आओ, तो यहां ऐसे बोल देती है ना। इसका अनुभव हमसे अधिक आप लोगों का,
तो जो बोल रही है तो उसे पता चल रहा है ना कि पति का स्मरण कर रही, स्त्रियों के मुख से निकल जाता है, और उसके पीछे कारण क्या है, संबंध है, पति पत्नी का घनिष्ठ संबंध है, पत्नी सब काम कर रही है लेकिन फिर भी पति का स्मरण रहता है। और है, दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं, माता पिता हैं, अब बेटा से संबंध है, बेटा बंगलोर में है, हॉस्टल में है, लेकिन माता पिता उसको नहीं भूल जाते, वो घर में है, काम धंधा करते हैं लेकिन स्मरण करते रहते हैं। और उसके पीछे कारण है कि संबंध विकसित किए हैं, उसको पुत्र मान रहे हैं, तो ये जो मान्यता है, संबंध है, तो यही स्मरण करा देता है। तो भगवान का अखंड स्मृति करना है, घनिष्ठ संबंध जोड़ लो, उनको अपना पुत्र बना लो, पति बना लो, सखा बना लो, स्वामी बना लो, कोई संबंध विकसित कर दो, स्मरण बना रहेगा। और भगवान का स्मरण है तो देहाध्यास समाप्त हो जाएगा। देहाध्यास का मूल कारण है अस्मृति, स्मृति रहे तो देहाध्यास नहीं आएगा। तो यहाँ बहुत सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं कि देहम भृतम देह कृत अस्मृति छिदम, जो देह प्रदान करने वाला अस्मृति है उसी का छेदन कर देता है। भाई समस्या कोई हो, समाधान श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद जी एक जगह लिखे हैं, श्रीमद् भागवतम इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। समाधान की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग केवल पूछते हैं, कई एक लोग प्रश्न करते हैं, हम तो कहते हैं प्रश्न कर रहे, उत्तर दे देंगे तो मानोगे करोगे? जो हो, अब वे लोग आपस में बात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं इतुत्तम श्लोक शिखा मणि जनेसु अभिष्टवत् अभिष्टत्सु अंधक कौरव स्त्रिय समेत्य गोविंद कथा मिथो गृणन त्रिलोक गीता श्रृणु वर्णयामित। अब पुरुष लोग आपस में बात कर रहे हैं, यादव लोग हैं और उनके संबंधी हैं। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अंधक कौरव स्त्रिय, यादवों के और कौरवों के स्त्रियां समेत गोविंद कथा मिथो गृण, वे एक जगह जुटी और गोविंद की कथा करने लगे, त्रिलोक गीता श्रृणु वर्णयामित, इसका सब जगह प्रचार है, और मैं उसको कहना चाहता हूं, तुम ध्यान से सुनो। सुखदेव गोस्वामी स्त्रियों के आपस के बात पर विशेष ध्यान है, उसका वर्णन कर रहे हैं। स्त्रियां क्या आपस में बात कर रही हैं, अंधक जादों के स्त्री और कौरव, कौरव की स्त्री, कुरुवंश की और अंधक डायनेस्टी की स्त्रियां क्या बात कर रहे हैं उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और यह एक महत्वपूर्ण चीज है, कह रहे श्रृणु, इसको ध्यान से सुनो, द्रौपदी जी की उक्ति को रख रहे हैं। श्री द्रौपदी उवाच, हे वैदर्भचितो भद्रे हे जाम्बवती कौशले हे सत्यभामे कालिंदी सभ्य रोहिणी लक्ष्मणे। भगवान के पत्नियों को संबोधित कर रही हैं द्रौपदी जी। भगवान की पत्नियां अनेक हैं लेकिन उनका दर्जा दिया गया। भगवान की पत्नी 16108, लेकिन 8 को पट रानी कहते हैं और 16100 वो दूसरे रैंक के, लेकिन उसमें भी रोहिणी जी का स्थान सबसे ऊपर है, वे उसमें प्रधान है,
और रोहिणी जी का भी दर्जा लगभग पट रानियों के बराबर है और इसलिए उनको भी संबोधित कर रहे। अच्छा, इस वाक्य पर आप ध्यान देंगे, द्रौपदी के वाक्य पर तो सबका नाम ले रही है, सबको संबोधित कर रही है, लेकिन तीन जगह हे शब्द का भी प्रयोग किया। हे वैदर्भी, हे जाम्बवती, हे सत्यभामे, नाम सबका ले रही है, भद्रे, रोहिणी, सभ्य, लक्ष्मणे, कालिंदी, लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति के पहले हे जोड़ी, तो ऐसे ध्वनित है कि इन लोगों का प्रधान स्थान भगवान के। अनेक पत्नियां हैं लेकिन तीन पत्नी बहुत सम्मानित है, रुक्मिणी जी, जाम्बवती और सत्यभामा, तो इसलिए इनके पहले हे शब्द का प्रयोग है। हे कृष्ण पत्नी ये तन्नो ब्रूता वो भगवान स्वयं उपये में यथा लोकम अनुकुर्वन स्वमाय। द्रौपदी जी का प्रश्न है कि मैं जानती हूं कि आप लोग भगवान के नित्य प्रेयसी हैं, नित्य पत्नी हैं, लेकिन उपये में यथा लोकम अनुकुर्वन स्वमाय, भगवान लोक का अनुकरण करते हुए, जैसे साधारण लोग, संसार के लोग विवाह करते हैं और उसका अनुकरण करते हुए आप लोगों को कैसे वे अंगीकार किए, कैसे विवाह किए, और इसको हम सुनना चाहती हूं। लोकम अकुर्वन, लोक का अनुकरण करते हैं भगवान की जो पत्नियां हैं, तो नित्य पत्नी है, लेकिन फिर भी भगवान जब मनुष्य का लीला कर रहे हैं और विवाह की भी लीला की है, और द्रौपदी जी का प्रश्न है कि कैसे आप लोगों के साथ विवाह किए, हम इसको सुनना चाहते हैं। भगवान के लिए क्या शब्द दे रहे हैं, अच्युत भगवान और अव्यय। हे कृष्ण पत्य ब्रूतो भगवान स्वयं उपये में यथा लोकम अकुर्वन। हे वैदर्भ चितो, कह रहे हैं कि भगवान कैसे विवाह किए, और अच्युत भगवान अच्युत कैसे विवाह किए। अच्युत शब्द का आशय है कि भगवान इनके घर से कभी अलग नहीं होते, इनके साहचर्य से कभी अलग नहीं होते। अच्युत इति प्रत्येकम सर्वासाम तासाम गृहतो विच्युति राहित्याभिप्रायेण। भगवान के 16108 पत्नियां हैं, लेकिन एक एक पत्नी के साथ रहते हैं, किसी से कभी अलग नहीं होते, तो इस अर्थ में अच्युत कह रही कि अच्युत भगवान कैसे आप लोगों का विवाह किए। और ऐसे जब प्रश्न की तो अब उनकी पत्नियां, भगवान की पत्नियां अपने विवाह के विषय में बतलाने लगी। अब जैसी हमारी धारणा है वो गलत है सही है हमको नहीं पता है, हम क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन लोक में देखा जाता है कि स्त्रियां अपने विवाह की बात बड़े अनुराग के साथ बोलती हैं, उसको बहुत याद रखती हैं, हमारे विवाह में तो ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हम तो विवाह में गई थे तो वो लोग कहे कि पटना ही विवाह होगा, सरसों का तेल में सब्जी देने लगे, हमारी माँ भूखी रह गई, उसको पसंद नहीं। भगवान की पत्नियां हैं, अपने विवाह के विषय में जो बात बोल रही हैं, कृष्ण के विषय में जो उनकी भावना है, और वेद के द्वारा भी दुर्गम है, कोई साधारण व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। श्रीपाद जीव गोस्वामी कह रहे हैं
लेकिन उसी का विवरण देना है और उन्हीं के कृपा से संभव है। भगवान के पत्नियों के कृपा से कुछ उनके भाव का संकेत किया जा सकता है। और जब एक एक का नाम लेकर के और वे प्रश्न किए कि कैसे विवाह हुआ आपका, भगवान कैसे विवाह किए, और एक एक पत्नी उत्तर देने लगी। और सबसे पहले रुक्मिणी जी कह रहे हैं, चैद्याय मार पीत मुद्यत कार्मुकेशु, यानी कि एक समाज जुटा था और सब चाह रहे थे कि हमको शिशुपाल को प्रदान कर दिया जाए, शिशुपाल से विवाह हो जाए, इसके लिए बहुत बहुत लोग जुटे थे। जरासंध लीडर था और उसके साथ बड़े बड़े राजा थे और यही चाह रहे थे कि रुक्मिणी को शिशुपाल को दे दिया जाए, वो इसको दुल्हन बना करके जाए। लेकिन भगवान वो हमको वैसे हरण करके लाए जैसे भेड़ और बकरी के समाज से कोई सिंह अपने शिकार को ले जाता है। वो भेड़ है बकरी है तो सिंह का क्या कर सकते है? वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े राजा लोग जुटे थे, सब चाह रहे थे कि शिशुपाल को प्रदान किया जाए, मुझको शिशुपाल को दे दिया जाए, सब उद्यत थे। लेकिन निन्य मृगेंद्र इव भाग अजा भी युद्धात, जैसे भेड़ और बकरी के बीच से कोई सिंह अपने शिकार को लावे वैसे लाए। तच्छ्री निकेत चरणोस्तु ममार्चनाय, और अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रही हैं कि उन्हीं भगवान के चरण हमारी अर्चना का विषय बने, हम उसी की सेवा करती रहे। और सत्यभामा जी अब कह रही हैं, यो में सनाभिबध तप्त हृदय ततेन लिप्ताभिशाप मपमार्ष्ट मुपा जहार, कह रहे हैं कि हमारे पिता के द्वारा एक एलिगेशन डाल दिया गया, सनाभि बध तप्त हृदय, हमारे पिता के भाई का वध कर दिया गया, हमारे पिता के भाई मार दिए गए, तो हमारे पिता इतने दुखी हुए अपने भाई के वध से कि वे भगवान पर ही कृष्ण पर ही एलिगेशन डाल दिए, आरोप कर दिए कि यही मरवाए हैं। तो जित्वाक्षराज मत रत्न मदात सतेन भीत पिता दिशद माम प्रभवे दत्ता, कह रहे हैं कि भगवान अपने आरोप को खत्म करने के लिए अब मणि ला करके हमारे पिता को दे दिए, उससे अब पिताजी इतने भयभीत हो गए कि हम तो गलत आरोप कर दिया कि भय के मारे दत्ता, हमारा किसी के साथ विवाह तय हो चुका था, किसी को बागदान कर चुके थे, लेकिन पिता अदिशत्मा प्रभवे, उस भगवान को प्रभु को हमारे पिता अर्पित कर दिए। सत्यभामा जी का विवाह तय हो गया था, बाद में उसकाए है ना सतधनवा को, अरे वो सत्राजीत अपने लड़की का विवाह तय किया था ना और बदल गया, उसको मार करके तुम मणि क्यों नहीं ले लेते हो? कृतवर्मा और अक्रूर जी उसको कह रहे हैं, कहे अब जाम्बवती जी कह रही हैं कि प्राज्ञाय देह कृद अमुम निजनाथ दैवम सीता पतिम त्रिनवहान्य अमुना भी युद्ध ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरद अरहणम माम पादव प्रगृह्य मणिना अहम अमुष्य दासी, कह रहे हैं कि प्रज्ञाय देह कृत अमु निजनाथ दैवम, हमारे पिताजी को बात समझ में आ गई कि यही हमारे आराध्य हैं,
भगवान राम यही है, सीतापति यही है, लेकिन त्रिनवहानि, त्रिनव, तीन गुणे नौ कितना, 27, 27 दिन के बाद ये बात समझ में आई। 27 दिन तो लड़ते रहे, लेकिन 27 दिन में बात समझ में आ गई कि लड़ने वाले लायक नहीं है, ये तो हमारे प्रभु हैं। तब पादव प्रगृह, उनके चरण को पकड़े और उपा हरद और हणम्मा, और उपहार के रूप में हमको ही प्रदान कर दिए, मणि ना मणि के साथ। वह कह रहे कि अहम अमुष्य दासी, हम तो उन्हीं की दासी। कथा एक बार सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। एक व्यक्ति थे सत्राजित, सत्राजित भगवान सूर्य के भक्त थे, उनके भक्ति में लगे थे, भगवान उन सूर्य उनसे प्रसन्न हुए और उनको एक मणि प्रदान कर दिए। मणि प्रदान किए तो मणि को पहनते थे तो ऐसे चमकने लगता था कि जैसे सूर्य ही उदित हो रहा है। और एक दिन की बात है कि भगवान चौसर खेल रहे थे द्वारका में, लेजर टाइम में थे, फ्री टाइम में थे, और ऐसे खेल कर रहे थे अपने पत्नियों के साथ बैठे थे, और तब तक सत्राजित आने लगा। और यादव लोग लड़के जाकर के कहने लगे कि आज सूर्य भगवान आपको दर्शन देखने आ रहे हैं, आपके दर्शन के लिए सूर्य भगवान आ रहे हैं। सत्राजित मणि पहना था तो बहुत चमक रहा था, सूर्य जैसा दिख रहा था। वो आकर के सीधे भगवान से कहे कि सूर्य भगवान आ रहे हैं आपके दर्शन के लिए। भगवान कहे कि ना ना, वो सूर्य भगवान नहीं है, वो तो सत्राजित है, वो मणि पहना है इसलिए चमक रहा है। आए सत्राजित, भगवान क्या बैठे, और भगवान कह दिए कि तो बहुत अच्छा मणि है, और ऐसा मणि तो राजधानी में रहना चाहिए, राजा के पास रहना चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर का नहीं है, इसको तो गवर्नमेंट सेक्टर में डाल देना चाहिए। लेकिन अब सत्राजित कहा कि हाँ हम तपस्या के हमको मिला और हम यहाँ दे दे, वो दिया नहीं। और भगवान तो ऐसे कहे, अपने घर में गया, उसका भाई था, उसका नाम था प्रसेन। एक दिन प्रसेन उस मणि को पहना और घोड़े पर चढ़ करके चला गया, वो जा रहा था। अब रास्ते में कोई उसकी हत्या कर दिया और मणि भी छीन लिया। अब कुछ पता नहीं चल रहा था कि कैसे हत्या हुई, खून दिख रहा था तो पता चल रहा था कि यहाँ हत्या हुई है। अब तो सत्राजित के मन में आया कि कृष्ण को लोभ था मणि से, वो मांग रहा था, हम दिए नहीं तब हमारे भाई को मार करके वही ले लिया। अपना शंका व्यक्त करने लगा कि हो न हो कृष्ण ही मार करके मणि ले लिया। अब तो भगवान पर दोषारोप हो गया, भगवान अपने दोष को हटाने के लिए, कलंक को हटाने के लिए सोचे कि हम मणि का पता करेंगे। और जिधर प्रसेन के हत्या हुई थी और उसके आगे वे अब लक्षण देख करके पांच मिला करके जाने लगे, वो कुछ खून का धब्बा दिख रहा था, ओ, अब एक गुफा में चले गए। प्रसेन मणि पहन करके घोड़े पर चढ़ा था और एक सिंह उसका वध कर दिया, उसको मार दिया, घोड़े को भी मार दिया, उसको भी मार दिया। अब तब तक वही ऋक्षराज जी आ गए, जाम्बवान जी आ गए, तो जाम्बवान उस सिंह को भी मार दिए।
और चमकता हुआ मणि लेकर के अपने लड़की को दे दिया, गुफा में चले गए, छोटी सी लड़की थी, अब उसको खेलने के लिए दे दिए। गुफा में थे भगवान, खून के लक्षण से और लक्षण से गुफा में पहुंच गए। अब गुफा में पहुंचे और भगवान के देह में कांति है, गुफा में प्रकाश छाने लगा और लड़की देखी कि कोई आदमी आ रहा है तो घिघियाने लगी, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, केवल देह करके क्योंकि आदमी आ रहा है वो भयभीत होकर के रोने लगी। अब बेटी के रुलाई सुन करके जाम्बवान जी कुछ विचार नहीं कर, सीधे मारने के लिए भीड़ गए। तो अब आदमी से भीड़े होते दूसरी बात है, भगवान से भीड़ गए, लेकिन भीड़े और वे लड़ते रहे, लेकिन भगवान जब मुक्का मारे जोर से तब उनको समझ में आ गया कि ना ये आदमी नहीं है, ये तो हमारे स्वामी है। तब तो बड़ा शक पका गए, क्षमा मांगे और सब घटना बतलाए कि हम तो सिंह को मार करके ला दिए। तो मणि भी भगवान को प्रदान किए, अब भगवान के साथ लड़ाई किए थे तो अपने कन्या रत्न को भी, अपने लड़की का भी विवाह कर दिया। तो एक विवाह हो गया स्यमंतक मणि के अन्वेषण में। अब भगवान उस मणि को ल्या करके उस सत्राजित को प्रदान किए कि भाई हम पर तो झूठा कलंक डाल रहा था, मणि तो जाम्बवान जी ले गए थे, सब घटना का पता चल गया, अब तो सत्राजित बड़ा उदास हुआ कि हम तो झूठा एलिगेशन डाल दिए इतने बड़े व्यक्ति पर, और हम ये झूठा एलिगेशन डाल दिए, आरोप कर दिए, तो अपने अपराध को क्षमा करने के लिए, अपने दोष को मार्जित करने के लिए वो मणि तो दिया ही और अपने बेटी का विवाह कर दिया। और बेटी के विषय में दत्ता यद्यपि वागदान कर दिया था, अब इसी का अब फायदा लिए। अब मणि के विषय में एक और बात है कि भगवान मणि दे, भगवान तो सत्राजित को मणि दिए लेकिन वो अपने बेटी के साथ मणि भी दे दिया, लेकिन भगवान कहे कि ना ना ये मणि हम नहीं रखेंगे, अब मणि से जो सोना निकलेगा वो हम रख लेंगे लेकिन मणि नहीं, ये फैक्ट्री का जिम्मेवारी हमको न दीजिए, केवल जो प्रॉफिट है वो भले दे दीजिए अकाउंट में। और मणि सत्राजित के पास। अब इधर कृतवर्मा और अक्रूर जी, अरे के मणि सत्राजित रखा है, तुम्हारा विवाह कर कर नहीं किया तो क्यों नहीं मणि ले लेते हो? अब इनके बात में पढ़ करके वो उसका वध कर दिया और मणि ले आया। उस समय भगवान हस्तिनापुर में थे, सत्यभामा जी को पता चला कि हमारे पिताजी का वध हो गया, बड़े दुखी हुई, भगवान के पास गई, भगवान भी बड़े उदास हुए, अब उनको बड़ा क्रोध भी था, वो पता चल गया कि सद्धन्वा वध किया है तो सद्धन्वा का पीछा किए। अब सद्धन्वा को पता चला कि भगवान हमारे पीछे पड़ गए तो वो कृतवर्मा के पास गया कि हमारी सहायता कीजिए। अब कृतवर्मा कहने लगा कि अरे जो सृष्टि करता है, प्रलय करता है, उसके सामने हम खड़े होंगे, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, वो बाकाया थे। अब तो बड़ा निराश हुए, अक्रूर जी के पास गए कि अब हमारे पास आ रहे हो, हम कुछ करेंगे? अरे जानते नहीं हो गोवर्धन धारण कर लिए, एक हाथ पर एक अंगुली पर 7 दिन पहाड़ धारण किए, वो बकासुर का वध कर दिए, वो सब लीला गान करने लगे, वो हम तो उनके विरोध नहीं होंगे। अब तो सद्धन्वा के सामने समस्या थी कि उसके प्राण पर संकट था और कारण मणि था, मणि को ही अक्रूर जी के पास फेंका और भागा, घोड़ा लेकर के भागा, भगवान भी उसका पीछा किए।
वो भाग रहा था लेकिन भगवान पीछा किए, बलराम जी भी पीछे साथ में थे और वो मार दिए, भगवान मार दिए, क्रोध भी था, उनके ससुर को मारा था। लेकिन मणि खोजने लगे तो मणि मिली नहीं। अब तो भगवान बलराम जी से कहे कि मणि तो नहीं मिली तो वृथा हम लोग हत्या करती है। बलराम जी कहे कि ना ना, तुम पता करो, मणि कहीं दूसरे जगह रख दिया होगा, अब तुम जा करके पता करो, हम तो मिथिला के नजदीक आ गए, तो हम तो यहाँ अब जाएंगे, कुछ दिन यहाँ रहेंगे, जनकपुर में रहेंगे, अब तुम जा करके उधर देखो। और भगवान सीधे अक्रूर जी से कहे कि हम मणि लेंगे नहीं, केवल आप एक बार दिखा दीजिए केवल एक बार दिखा दीजिए, हम लेंगे नहीं। अब तो अक्रूर जी को लगा कि भगवान जानते हैं, वो कपड़ा में लपेटा थे, ला करके फेंक करके चले गए। तो स्यमंतक मणि के क्रम में भगवान का दो विवाह हो गया, सत्यभामा जी के साथ और जाम्बुवती जी के साथ। अब आगे कह रहे हैं कालिंदी उवाच, कालिंदी जी कह रही हैं कि तपश्चरंतिम आज्ञाय स्वपाद स्पर्श नाशया सख्योपेत अग्रहित सख्योपेत्या ग्रहित पाणिम यो हम तद गृह मार्जनी। कालिंदी जी कह रही हैं कि हम तो कृष्ण के लिए, उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हम तपस्या कर रही थी। कालिंदी जी सूर्य की पुत्री हैं और उनके पिताजी यमुना में ही एक घर बना दिए थे और कालिंदी जी उसी में तपस्या कर रही थी। भगवान को पता था, अब एक दिन अर्जुन के साथ उसी क्षेत्र में चले गए खांडव वन के दाह के क्रम में, तो अर्जुन को भेजे कि वहाँ एक लड़की तपस्या कर रही है, थोड़ा उसका आईडी उडी ले आओ, आधार कार्ड कौन है क्या है। तो अर्जुन गए और पूछे कि तुम किसकी हो, न किसकी बेटी हो, कैसे हो, तो सीधा कह रही है कि हम कृष्ण को पति के रूप में चुनेंगे। ये जाकर के उसे पूछने लगे तो उसको ऐसा लगा कि प्रपोज कर रहे, विवाह का प्रस्ताव कर, कि ना एक कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को मैं वरण नहीं करूंगी। और अर्जुन लाए कि हाँ हम उन्हीं के भेजने से आया। और भगवान फिर अर्जुन के साथ गए और उनको लेकर के आ गए। तो यो हम तद गृह मार्जनी, वो अभिलाषा कर रहे हैं कि हम भगवान के घर की मार्जनी बनी रहे। अब मित्रबिंदा बतला रहे कि योमाम स्वयंवर उपेत्य विचित्य भूपान निन्य सयुद्ध गतिमात्म बलिम द्विपारी भ्रातृश्च मे पकुरुत स्वपुरम श्रियौकम तस्यास्तु ने भव तस्यानुभव मंग अवनेजनत्वम। मित्र बिंदा, ये अवंती देश के है, अवंती देश के राजा थे बिंद और अनुबिंद, और वहाँ कृष्ण के फुआ का विवाह हुआ था, उनका नाम था राजाधिदेवी, उन्हीं की पुत्री थी, तो उसको भगवान ले आए। अब सत्या जी, उन्हें को नाग्निजीति भी कहते हैं, उन वो कह रही हैं कि सप्तो क्षणोति बलवीर्ज सुतीक्ष्ण श्रृंगान पित्राकृता क्षितिप वीर्ज परीक्षणाय। नाग्निजीत जी कोसल के राजा हैं, उनके लिए कोसले संबोधित की हैं, तो वे अपने बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर रखे, लेकिन एक शर्त रखे थे कि हम वीर पुरुष के साथ अपने बेटी का विवाह करेंगे।
और वीरता का परीक्षा था। उनके पास 7 बहुत बिगड़ंत बैल थे, बड़े ही बिगड़ंत सांड बैल थे, और कि इनको जो सैल कर देगा, शांत कर देगा, तो उसी से अपने बेटी का विवाह करेंगे। वो भगवान गए और 7 बैलों को वैसे नाथ दिए, बांध दिए, जैसे भेड़ के बच्चे को या बकरी के बच्चे को कोई लड़का पकड़ लेता है। तो अब भगवान परीक्षा पास कर गए, उनके पिताजी इनके साथ विवाह किए। भगवान का कोई भी विवाह हुआ है उसमें बहुत मारकाट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। केवल एक विवाह है को उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं। वो भद्रा कह रहे हैं, पिता में मातुलाय स्वयं आहुय दत्तवान। जो भद्रा जी हैं, ओ या भी भगवान के फुआ की लड़की है। भगवान के फुआ का नाम है श्रुतकीर्ति। इनका कैकेय देश में विवाह हुआ था। श्रुतकीर्ति की बेटी भद्रा है, तो भगवान के विषय में सुनी और उन्हीं को पति के रूप में भावना करने लगी, मन में उन्हीं को पति मान ली। उसके पिता को भी यह पता चल गया कि कृष्ण को ही पति मान रही है, और वे उसको कृष्ण को बुलाए और विधिवत विवाह करके दक्षिणा के साथ भेज दिए। तो यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और जगह तो भगवान स्वयंवर के शर्त को पूरा किए हैं, उसके बाद भी दूसरे राजाओं के साथ लड़ाई झगड़ा करना पड़ा। लक्ष्मणा उवाच, ममा पिराग्य चित जन्म कर्म श्रुत्वा मुहुर नारद गीत मास चित्तम मुकुंदे किल पद्म हस्तया वृत सुमस्प्रिय विहाय लोकपान। लक्ष्मणा जी कह रही हैं कि चित्तम मुकुंदे, हम अपने चित्त को मुकुंद में दे दी थी, क्योंकि श्रुत्वा मुहुर नारद गीतम, नारद जी जाते थे कृष्ण के विषय में बोलते थे और उनमें उनका मन आसक्त हो गया था। और कह रहे हैं कि हे रानी, मैंने नारद मुनि को भगवान अच्युत के अवतारों तथा कार्यों की बारंबार महिमा गाते सुना, और इस तरह मेरा हृदय भी उन्हीं भगवान मुकुंद के प्रति अनुरक्त हो गया। दरअसल देवी पद्महस्ता ने विविध लोकों पर शासन करने वाले बड़े बड़े देवताओं को तिरस्कृत करके काफी ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद उन्हें अपने पति के रूप में चुना है। कि कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करना स्वाभाविक है। लक्ष्मी जी तो कई एक चीज विचार करके उनको पति के रूप में स्वीकार की है। तो ज्ञात्वा मम मतम साध्वी पिता दुहित्री वत्सल बृहत से नैतिख्यात तत्रोपाय मची करत। अब पिताजी को पता चल गया कि हमारा मन कृष्ण में आसक्त है और कृष्ण उनके साथ विवाह करना ही चाहते थे, लेकिन एक स्वयंवर किए, और स्वयंवर का शर्त था कि जो मत्स्य भेदन करेगा तो उसके साथ विवाह होगा, और मत्स्य भेदन की विशेषता थी कि मछली का कुछ पता नहीं चल रहा था, मछली ढकी हुई थी और उसका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा था, तो देखना था जल में और मछली को मारना था। वो वहां एक धनुष भी रख दिया गया था। वो वहां उस स्वयंवर में बहुत बहुत लोग आए, लेकिन कुछ लोग तो धनुष पर सज्जा ही नहीं चढ़ा पाए और डोरी नहीं चढ़ा पाए, और कुछ कुछ थे जिसमें कर्ण और भी दुर्योधन कई एक लोग हैं, वे लोग धनुष चढ़ा दिए लेकिन आगे का कुछ नहीं कर पाए। अर्जुन भी गए थे, और अर्जुन तो धनुष चढ़ाए और
बाण भी चलाए लेकिन मछली का केवल स्पर्श हुआ। तब इसके बाद लास्ट में भगवान गए और ऐसे बाण मारे जल में देख करके कि मछली नीचे गिर गई और ऐसे इनका विवाह हुआ। इसका बहुत विस्तार से वर्णन की है। अब जो 16,108 पत्नियां हैं और उनके तरफ से रोहिणी जी बोल रही है। रोहिणी 16,100 में एक पत्नी है, वह लीडर है। वे कह रही है भौमम निहत्य सगणम युद्धते न रुद्धा ज्ञात्वाथ न क्षितिजय जितराज कन्या निर्मुच्य संसित विमोक्ष मनुस्मरन्ति पादाम्बुजम परिणनीयाय ये आप्त काम। ये जो 16,100 रानियां हैं तो वे कह रही हैं कि भौमम निहत्य, भगवान भौमासुर का वध किए। भौमासुर बहुत बड़ा वीर था। भौमासुर, भौम कहते इसलिए कि भूमि का पुत्र है। उसका ओरिजिनल नाम नरक है, नरकासुर कोई कोई कहता है, कोई कोई भौमासुर कहता है। भूमि का पुत्र होने से उसको भौमासुर कहते हैं, उसका नाम अपना नरक है। तो बहुत भारी योद्धा था और दिग्विजय के लिए निकला और कुछ राजा और उसके अधीनता को स्वीकार कर लेते थे और कुछ राजा स्वीकार नहीं करते थे। तो जबरदस्ती उनको पराजित करता था और उनके लड़कियों को भी अरेस्ट कर लेता था। तो ऐसे 16,100 लड़कियों को बंदी बना दिया था। वो इतना शक्तिशाली था कि जा करके वरुण जी का छत्र लाया था, छीन करके वरुण जी का छाता छीन करके ले आया। वो रत्न जटी था और अदिति का कुंडल छीन लाया और देवताओं का एक पर्वत था मणि का, उसको छीन लिया जबरदस्ती। सुमेरु पर्वत पर एक बड़ा मणि का स्टोर था, उसको छीन लाया और बहुत बहुत अपहरण किया। और इंद्र भगवान से प्रार्थना की है कि बहुत अत्याचार कर रहा है, कुछ कीजिए। और भगवान वो सब लाने के लिए उसके राजधानी पर आक्रमण किए, प्राग ज्योतिषपुर शायद उसका है। लेकिन उसका बहुत बड़ा घेराबंदी था, वो राजधानी क्षेत्र और पहले पहाड़ का आवरण था, हथियार का आवरण था और कई एक आवरण है, कुछ विषैला गैस रखा था, वहाँ जाना ही बड़ा कठिन था। लेकिन भगवान अपने गदा से सब पहाड़ वहाड़ को तोड़ करके हथियारों का झरोखा था उसको सब साफ करते हुए पहुँचे। और उसका जो सेनापति था मूर, वो भी बड़ी शक्तिशाली था, बहुत युद्ध करने लगा। उसका सहयोगी था पीठ, वो भी बहुत युद्ध कर रहा था। और अंततः भगवान सबको मारते काटते गए और भौमासुर का वध किए और पृथ्वी देवी उनकी स्तुति करने लगी और उसके लड़के को वे छोड़ दिए। पृथ्वी देवी कहे कि इसको तो मार दिए, लड़के को तो मार दिए, कम से कम नाती को छोड़ दीजिए। तो भगवान छोड़ दिए। अब सबको मार काट करके विजय प्राप्त कर लिए और उसके घर में पहुंचे। अब घर में पहुंचे तो भगवान को देखी वे लड़कियां, सब जहां कैद किया था, वो कह रहे हैं कि तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष नरवीर विमोहिता। वे बड़े ही कष्ट में थे। अब सोचिए कि जो युवती स्त्री है, लड़की है,
और उसको कोई बंदी बना लिया है तो कितना उसके मन में टेंशन होगा। लेकिन भगवान जब भौमासुर के घर में पहुंचे तो कह रहे हैं कि तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष नरवीरम विमोहिता। भगवान को देखते ही सारी लड़कियां मोहित हो गई और मनसा बब्रिरे भीष्टम पतिम दैवोपसादितम। और मन ही मन सब लड़कियां कृष्ण को ही पति के रूप में स्वीकार कर ली। दैवोपसादितम कह क्या दैव का विधान है कि वे बंदी बनाई गई हैं, कैद में है, जेल में डाला है, लेकिन दैव का ऐसा विधान, ऐसा सौभाग्य भाग्य कि सबसे सुंदर व्यक्ति वहीं पहुंच गया। अब उनको देख करके मनसा बब्रिरे अभिष्टम पति, ये तो संजोग की बात है, लेकिन इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति मिल नहीं सकता है, तो सारी लड़कियां उन्हीं को पति के रूप में वरण कर ली। भूयात परिरय पतिरयम मह्यम धाता तदनुमोदता। वे मन ही मन कहने लगे कि हे विधाता, हमारे मनोरथ को पूर्ण करो, यही पति बन गया। इति सर्वा पृथक कृष्ण भावे न हृदयम दधो। वे मन ही मन सोच रही है, संख्या उनके 16,100 है और सब मन ही मन पृथक पृथक कि यही हमारे पति हो। थोड़ा अब भगवान के चरित्र पर विचार करना चाहिए। 16,100 लड़कियां अलग अलग, वे सब है कृष्ण को ही पति के रूप में वरण कर ली। सब चाह रहे थे कि यही हमारे पति हो जाए और विधाता से वो प्रार्थना करने लगे। भावे न कृष्ण भावे न हृदयम दधो, बड़े ही श्रद्धा पूर्वक अब अपने मन में तो कृष्ण को ही पति मान ही ली। अब भगवान भी और उनको भेजे, द्वारका भेज दिए, पालकी पर, रथ पर, सब स्त्रियों सब लड़कियों को द्वारका भेज दिए। और उधर बहुत हाथी थे और कई एक हाथी को भी दहेज में भेज दिए। भगवान ही दुल्हा है लेकिन दहेज भी वही भेज दिए। और बाद में गए जब द्वारका में तो कह रहे हैं कि अथो मुहूर्ते एकेस्मिन नाना गारे सुता स्त्रिय यथोपये में भगवान स्तावद रूप धरो व्यय। मुहूर्ते एकेस्मिन, एक ही मुहूर्त में, और नाना गारे सुता स्त्रियां अलग अलग घर में थी, लड़कियां अलग अलग घर में थी, और भगवान एक ही मुहूर्त में यथोपये में यथा जो विधि है उसके अनुसार विवाह किए। तावद रूप धरो हरि, जितनी लड़कियां थी उतना रूप धारण करके और एक मुहूर्त में विवाह किए। और भगवान ऐसा क्यों किए, इसके पीछे कारण था कि भगवान जब उनके घर में प्रवेश किए तो सारी लड़कियां एक साथ भगवान को पति के रूप में वरण की। जब ये दृष्टि पड़ी तो उनके मन में विचार आ गया कि यही हमारे पति हों। अलग अलग वे सोच रही हैं लेकिन सब एक साथ ही सोची थी। अब भगवान विचार करने लगे कि जब एक साथ संकल्प की है तो हम किसी को निराश नहीं करेंगे। एक लड़की के साथ विवाह करते तो दूसरे के मन में थोड़ी सी निराशा आ सकती है ना, तो हमको वेटिंग में डाल दी, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। भगवान कहे कि ना, जब एक मुहूर्त में ये लोग संकल्प की है, पति चुनी है, तो हम एक मुहूर्त में सबको विवाह करें। और यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। एक्चुअली आज कथा के लिए हमारे पास कोई विषय नहीं था, बहुत मन में क्या बोलेंगे, ये तो प्रश्न आ गया तो कुछ हो गया बोलने का विषय।
लेकिन एक बात यह गूंज रहा है बहुत दिन से, क्या भगवान का व्यक्तित्व है, कोई संकल्प किया तो उसको निराश नहीं करते, ये भगवान की विशेषता। लड़कियां एक साथ कृष्ण को वरण की पति के रूप में, वो भगवान किसी को अब थोड़ा भी आतुर नहीं होने दिए, एक साथ वरण किए तो सबका एक साथ विवाह कर ली, किसी के मन में किसी तरह का निराशा न, ये भगवान का व्यक्तित्व है। एक्चुअली कमी हम लोगों के तरफ से है, हम भगवान का वरण करें, भगवान का आश्रय लें तो भगवान विलंब नहीं करते, वो आश्रय लेने में ही कठिनाई है, सच्चे दिल से आश्रय नहीं लेते। किसी भी लड़की को निराशा न हो, इसके मन में न आवे कि दूसरे को पहले वरण कर रहे हैं, और भगवान सबको संतुष्ट करने के लिए उतना रूप धारण किए और सबके साथ विधिवत विवाह किए। भगवान के विशेषता है कि सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। अक्रूर जी के बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, कह पंडितस त्वद परम शरणम समीया भक्त प्रिया ऋतगिर सुहृद कृतज्ञ। अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को मथुरा ले गए तो अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन कृष्ण कहे कि रथ लेकर के जाओ, हम तो यहीं रुकेंगे। अक्रूर जी कहने लगे कि ना हम भवद्भ्यम रहित प्रवेक्षे मथुराम पुरी, आप दोनों को छोड़ करके तो मैं मथुरा नगर में प्रवेश ही नहीं करूंगा, और आपको भी हमारा त्याग नहीं करना चाहिए। भक्तम ते भक्त वत्सल, भक्त वत्सल है ना, अब भक्त वत्सल है तो इतना समझिए कि मैं भी भक्त हूं, और भक्त वत्सल है तो ये अवसर नहीं आता है कि हमारा त्याग कर दीजिए। अरे भगत हो तो तू जिद करेगा कि हमारी आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन अक्रूर जी प्रार्थना करने लगे कि संकोच मत कीजिए, सब सामग्री है, भगवान उनकी बात को सुने। इन कहे कि आयास्य भवतोगे हम अहम मार्ग समन्वित, बलराम जी के साथ तुम्हारे घर आवेंगे, लेकिन जदुकुल का जो द्वेषी है, तंग करने वाला है, इसका वध करने के बाद, और कंस का वध करने के बाद भगवान गए, और अक्रूर जी प्रसन्न हो गए, तो कहने लगे कि हमारे पितर तृप्त हो गए, देवता संतुष्ट हो गए, बस्ती धन्य हो गया, और वे प्रथम बात रियलाइज कर रहे हैं कि भगवान जो बोले तो उसको पूरा किए। तो कह रहे हैं कह पंडितस त्वद परम शरणम समीयात भक्त प्रिया ऋतगिर, भगवान का वचन कभी झूठा नहीं होता, ऋतगिर सत्यवादी, जैसा कहे वैसा कर लिए। भक्त प्रिया भक्तों को बहुत प्रिय हैं, या भक्त उनको बहुत प्रिय है, भक्त प्रिया ऋतगिर सुहृद कृतज्ञ, और सबके हितैषी हैं। और भगवान की विशेषता बतला रहे कृतज्ञ, कोई उनके प्रति कुछ करता है तो उसका भी ध्यान रखते हैं, मन से कोई संकल्प करे उसको भी ध्यान रखते हैं, कृतज्ञ हैं। वे किसी के कृत्य को भूलने वाले नहीं हैं, कृतज्ञ कृतज्ञ हैं। प्रकट कोई सेवा करता है तो उसको तो स्वीकार करते हैं, बहुत मानते, सेवा मनाग अपिकृता बहुधा विपैत, कोई मन से भी संकल्प करता है तो उसको समझ जाते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं, कृतज्ञ हैं। और इन शब्दों का बहुत संबंध है, लेकिन उतना हमको समय नहीं है। और अक्रूर जी एक बात और कह रहे हैं कि सर्वान ददाति भजत सुहृदो भी कामा, कि जो उनके भक्ति करते हैं अपने भक्तों के सारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं, सारे भक्तों के सारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे।
और मनोरथ को तो पूर्ण करते ही आप आत्मानम अपि अपने को भी दे देते हैं। अब कई एक लोग प्रश्न करते हैं कि मान लीजिए कि एक ही वस्तु पर दो लोग का मनोरथ हो जाए तब भगवान क्या करेंगे, और भगवान उसका भी सोल्यूशन निकाल देते हैं। पहली बात तो यह है कि दो भक्त हैं और एक चीज के लिए मनोरथ है तो किसी के मनोरथ को ही खत्म कर देंगे, उसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध चल रहा था, अब वृत्रासुर कहे कि ना ना हमको विजय नहीं भगवान देंगे, जो किलैकांत धियाम जो एकांतिक भक्त है जिनकी बुद्धि निष्ठ है और उनको न राती उनको संपदा नहीं देते हैं, हमको विजय नहीं मिलने वाला है, तुम भयभीत मत हो, हमारे प्रभु हमको विजय नहीं देंगे, विजय तुमको मिलेगा, तुम युद्ध करो वध करो। उनके कोई विजय के स्प्रिया ही नहीं थी, मृत्युम विजयान वरम मन्यमान, अबे विजय से मृत्यु को श्रेष्ठ मानने लगे। युद्ध कर रहे हैं, युद्ध व्यक्ति विजय के लिए ही करता है ना, लेकिन उनकी इच्छा ही समाप्त हो गई। अच्छा, और अब एक प्रश्न है कि इच्छा हो जाए तब अब क्या करेंगे। ऐसे प्रसंग लोग सुनाते हैं कि भगवान समुद्र के तट पर थे, बैठे थे अपने सखाओं के साथ, और तब तक विभीषण जी वहां आए। अब विभीषण पता चला कोई बंदर बतलाया कि लंका से कोई आया है मिलना चाहता है, और कई एक लोग कहने लगे कि ना 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 उसको इधर नहीं आने देना चाहिए, हमें तो इस समय ठीक से नहीं याद आ रहा है, कोई सुग्रीव जी या कोई कहने लगा कि ना ना पहले जांच बैठाना चाहिए, पहले जांच लेना चाहिए, वो CIA का एजेंट होगा वो सब दुश्मन भेद लेने के लिए आया है। और सब लोग अपना अपना विचार कर रहे थे, कह रहे थे कि ना उसको तो नजदीक आने नहीं देना चाहिए, एंड भगवान कहे कि कैसे भी कोई आ रहा है हमारे शरण में, उसको नहीं रोकना है, उसको स्वीकार किए। और जे वहीं विभीषण जी आए और उनको संबोधन किए, लंकेश लंका का स्वामी बना दिए। अब और उनके जो सहयोगी थे उनको लगा कि भगवान तो अब कठिनाई में पड़ जाए, कह दिए कि अरे आया और आते आते लंका का राज्य इसको दे दिए, लंकेश कह रहे हैं, और रावण भी आ जाएगा तब क्या करेंगे, वो आ जाएगा आपके शरण में और लंका का तो राज्य इसको दे दिए, उसको क्या दें। भगवान कहे कि अयोध्या दे दूंगा, इसमें क्या कठिनाई है। वो भगवान हर एक व्यक्ति के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ये लड़कियां एक साथ संकल्प के, और भगवान किसी को निराश नहीं करना चाहते, एक मुहूर्त में सबके साथ विवाह किए, किसी के मन में किसी प्रकार की निराशा न आवे। और यह एक घटना नहीं है, मैं कह रहा था कि किसी के मन में अब ये प्रश्न आवे कि एक ही चीज की कामना दो व्यक्ति करें तो क्या करें, और भगवान के लिए कुछ कठिन नहीं है, एक ही वस्तु को दो रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और ऐसा कर लेते हैं। मिथिला के एक राजा हुए बहुलास, बड़े भगवान के भक्त थे, और भगवान द्वारका में थे। भगवान का रूटीन था रोज का दारू का रथ लेकर के आता था। भगवान के दिनचर्या के विषय में शायद यही चर्चा किए थे कि सुबह जग करके और हवा से शुद्ध होकर के मुंह धो करके ध्यान करते हैं, फिर स्नान इत्यादि करके सजते हैं, शुभ वस्तु का दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं और दान देते हैं, मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, और इसके बाद वे अपने को खूब अच्छा से सजाते हैं, वस्त्र इत्यादि पहनते हैं
और दारुक आता है और उनको हाथ पकड़ करके रथ पर बैठाते हैं, सुधर्मा सभा में जाते हैं, प्राय रोज का नियम है। और एक दिन दारुक आए, रोज का नियम ही था, और भगवान कहे कि आज मिथिला चलेंगे, पहले से कोई योजना नहीं थी। वो दारुक आए रथ पर बैठाए, इसके बाद कहे कि अब मिथिला ले चलो जनकपुर, और एक ऑफर भी दिए कि भाई हम तो जा रहे हैं जनकपुर दर्शन के लिए, आप लोगों में किसी की इच्छा हो तो आप भी आ सकते हैं। तो कई एक ऋषि मुनि वहां बैठ गए रथ पर। अब भगवान मिथिला जा रहे हैं तो मिथिला का राजा बहुलास उनके भक्त हैं, और वहीं एक गरीब ब्राह्मण थे श्रुतदेव, वे भी भगवान के भक्त। श्रुतदेव बड़े गरीब थे लेकिन बहुत निष्प्रिय थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, बहुत इच्छा होती थी कि द्वारकाधीश का दर्शन कर लें, लेकिन उनका नियम था कि ठाकुर जी के सेवा की सामग्री केवल एक दिन के लिए लेते थे, फंड रेजिंग का कोई स्कीम नहीं, कोई देता भी था कि रख लीजिए आखिर कल भी तो पूजा करना होगा, ना, एक दिन में जितना अगरबत्ती की जरूरत है उतना है, जितना घी की बत्ती की जरूरत है उतना ही, दूसरे दिन के नहीं रखते थे। लेकिन उनके मन में इच्छा होती थी कि द्वारिका में है भगवान अवतार लेकर के आए, प्रकट दर्शन करें, लेकिन फिर रुक जाते थे कि उधर जाएंगे तो इधर ठाकुर जी की सेवा अवरुद्ध होगी, लेकिन दर्शन के लालसा थी, तो ये तो जाने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, लेकिन कृष्ण को क्या कठिनाई, उनके पास तो रथ है, रथ पर बैठे और कहे कि मिथिला चलना है। अब रास्ता पढ़ेंगे तो उधर चंडीगढ़ हो करके, अरे वे मिथिला जाने का मतलब है कि इस समय वो जामनगर या कौन दूसरा वहां से दरभंगा जाना है, तो रूट तो ऐसा नहीं, लेकिन कुरुक्षेत्र चंडीगढ़ कहाँ कहाँ मथुरा होते हुए ऐसा, क्योंकि उत्तर दिया गया है कि भगवान जब भक्तों से मिलने के लिए जा रहे हैं तो सोचे कि और सब भक्तों से मिलते चले। अब है जब मिथिला के नजदीक पहुंचे और उनके मन में एक द्वंद्व कि राजा के पास जाएंगे पहले तो श्रुतदेव पंडित के मन में आएगा कि अब हमारा उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नजदीक पहुंचे तो दो रथ पर दो सेठ हो गए, जो ऋषि मुनि सब थे वे भी दो रथ पर हो गए। तो सारे ऋषि मुनि के दो सृष्टि कर सकते हैं, और एक ही वस्तु के लिए दो लोग हैं तो उस वस्तु को भी दो रूप में कर सकते हैं, भगवान के पास अनेक विकल्प है। और भगवान एक साथ दोनों के घर में गए, श्रुतदेव और बहुलास के साथ, और भगवान से हम प्रेम करते हैं तो भगवान उसका प्रत्युत्तर जरूर देते हैं, हमारे ऊपर बंधन है, भगवान पर कोई बंधन नहीं, संकल्प दृढ़ होना चाहिए। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि भगवान कालिये दह में गए, जरूर उनको कालिये का दमन करना था, पानी को शुद्ध करना था, ब्रजवासियों को कष्ट था, ये जरूर कारण, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कारण है कि उनको नाग पत्नियों के सेवा को स्वीकार करना था। नाग पत्नियां के पास बहुत गहना था, नाग लोक में मणि होता है, और नाग यही काली हरद में था, भगवान पहले तो महावन में थे, और जब वृंदावन में आ गए तो नाग पत्नियां बार बार कहती थी कि अब तो भगवान बिल्कुल नजदीक आ गए, चलिए एक दिन दर्शन हम लोग कर लें, कुछ सेवा कर दे। कालिये तो अपने अभिमान में था कि तुम लोगों को जाना हो जाओ, हमको क्या मतलब है, हमको क्या जरूरत है, वे पतिव्रता नारी है, चुपचाप रह जाती थी। लेकिन उनके मन में स्पृहा थी कि कृष्ण का दर्शन करें और उनकी सेवा करें। कोई भी भक्त है तो भगवान को कुछ देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है,
और उन लोगों के पास बहुत सामग्री थी, चाह रहे थे कि भगवान की सेवा करें, लेकिन पति के अनुशासन को ध्यान में रह करके नहीं जाती। और वे तो भगवान के पास नहीं पहुंची, लेकिन भगवान उनके पास पहुंचे और उनके सेवा को स्वीकार किए। कालिये के दमन करने के बाद ऐसा वर्णन है कि खूब अच्छा से स्त्रियां सुगंधी का लेप की, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनाई, अपने हाथ से भगवान को आभूषण धारण कराई। और कैसे भक्त के मन में भक्ति की स्प्रिया है तो भगवान उसका अनुमोदन करते हैं, उसको निराश नहीं करते। हमको ये भगवान के व्यक्तित्व पर बहुत ही ध्यान गया है कि उन लड़कियों का एक साथ संकल्प हुआ और भगवान किसी को निराश नहीं करना चाहे। किसी का नंबर पीछे आएगा तो उसके मन में निराशा होगा ना, तो सबके भावना के रक्षा के लिए, सबको संतुष्ट करने के लिए एक मुहूर्त में विवाह किए। और ये कह रही हैं अपने विवाह की बात कह करके, न वयम साध्वि साम्राज्यम स्वराज्यम भौज्यमप्युत वैराज्यम पारमिष्ठ्यम च आनंत्यम व हरे पदम। ये कह रहे हैं कि हम लोगों को साम्राज्य की, साम्राज्य मतलब एक क्षत्र राज्य पृथ्वी का, हमको इसकी इच्छा नहीं। स्वराज्य की इच्छा नहीं, स्वर्ग पर शासन की इच्छा नहीं, या पृथ्वी पर या स्वर्ग में जो भोग हैं उसकी इच्छा नहीं है। वैराज्यम जो विविध प्रकार के सिद्धि है अणिमाती, उसकी इच्छा नहीं है। पारमिष्ठ्यम ब्रह्मा जी के पद की इच्छा नहीं है। अनंत्यम मुक्ति की भी इच्छा नहीं। हरे है पदम, यहाँ तक कि भगवान के जो नजदीक रहने का सारूप्य इत्यादि सामीप्य सिद्धि है उसकी भी इच्छा नहीं है। काम या महे एतस्य श्रीमद पाद रज प्रिय कुछ कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धना वोढ़ गधाभृत। हमारी एक ही कामना है कि भगवान के चरण रज को प्राप्त करें। श्रीमद पाद रज भगवान के चरण धूलि को प्राप्त करें। और उस चरण का वर्णन कर रहे प्रिय कुंकुम गंधाढ्य, भगवान के चरण श्री जी के अस्तन के कुमकुम से भरपूर है, उसमें प्रचुर कुमकुम लगा है, उसका सुगंध आ रहा है। तो मूर्धनम ओढ़ा ओढ़ गदाभृत, हमारी यही इच्छा होती है कि उसी चरण कमल को हम अपने मस्तक पर धारण करें। श्री श्रीय कुछ कुमकुम गंधाढ्य, जो श्री जी के अस्तन के कुमकुम के गंध से भरा हुआ उसकी समृद्धि है। और श्री का प्रसिद्ध अर्थ है लक्ष्मी जी, लेकिन श्री राधा रानी को कहा जाता है। और शायद यही कारण है कि सुखदेव गोस्वामी इस कथा को अपने से बोल रहे हैं। जो द्वारका की स्त्रियां हैं, जो रानियां हैं, तो वे कह रहे हैं कि हमारे मन में स्वर्ग की कामना नहीं है, ब्रह्मलोक की कामना नहीं है, मुक्ति की कामना नहीं है, किसी सिद्धि की कामना नहीं है, यही एक कामना है कि भगवान के चरण को अपने मस्तक पर धारण करें। और चरण के विषय में कह रही हैं कि जो श्री जी के कुमकुम से युक्त है, उसका गंध फैल रहा है। और श्री का अर्थ राधा रानी, और राधा रानी के अस्तन के कुमकुम जिस चरण में लगे हुए हैं, तो उसी चरण को हम अपने मस्तक पर धारण करना चाहते। ब्रज स्त्रिय यद वांछन्ति पुलिन्य स्त्रीण विरुध गावश्चार्य तो गोपा पादस्पर्श महात्मन। कह रहे हैं कि भगवान गाय चराते हैं और उनके चरण के स्प्रिया घास भी करते हैं, ब्रजवासी करते हैं, और पुलिंद्य पुलिनिया उसकी स्प्रिया करती। पुलिनियों के विषय में वर्णन किया गया है कि भगवान जब घास पर चलते हैं
तो उनके चरण का जो कुमकुम लग गया उसको उठा करके वे अपने गाल पर ललाट पर लगाती। और भगवान का चरण गोपियों के कुमकुम से बिल्कुल पंकी घास पर भी लग जाता है। और कह रहे हैं कि हमारी भी इच्छा है कि उसी चरण कमल को हम धारण करें। और उनकी यह स्प्रिहा है। और भगवान भी ऐसी व्यवस्था की है। ऐसा लोक में प्रसिद्धि है कि भगवान के पत्नियों को लेकर के अर्जुन आ रहे थे और जब ब्रजमंडल क्षेत्र में आए गोप लोग स्त्रियों को लूट लिए। और इसके पीछे रहस्य यह है कि ये स्प्रिहा की थी कि हमें राधा रानी के अस्तन के कुमकुम चरण कुमकुम से आढ्य कुमकुम से युक्त चरण का स्पर्श मिले। तो एक सिद्धांत के अनुसार भगवान ने ही वो 16,100 गोप का रूप धारण करके और उनको ब्रज में अंगीकार किए। और कोई व्यक्ति भगवान से कुछ स्प्रिहा करता है, भगवान को चाहता है, तो भगवान कोई न कोई व्यवस्था बना देते हैं। और इस प्रकार द्रौपदी जी के प्रश्न करने पर भगवान की पत्नियां अपने अपने विवाह की कथा बोल रही हैं और उनके मन में जो स्प्रिहा है, कृष्ण के प्रति जो भाव है, और उसको व्यक्त कर रहे। उनके भाव को ठीक से तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आचार्यों ने जैसा लिखा है वो थोड़ा थोड़ा उसको हम लोग यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किए। आगे कुरुक्षेत्र की क्या घटना है उसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। दो चार मिनट कीर्तन कीजिए, बस दो चार मिनट करके समाप्त कीजिए, तीन चार मिनट, बस चार मिनट तक। बोलिए, बोलना प्रारंभ कर दीजिए, पर भाई को एक ठीक कीजिए। Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हे हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jai Jai Prabhupada Prabhupada Ki Namo Sankirtan Ki